मसीह में सबको खुश आमदीद। पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका सात बाप, उसकी पहली आयत। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी तरह तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। पाक कलाम के पढ़े जाने और सोने पर खुदावंद की बरकत हो। प्यारे मसीही बहन भाइयों, आज का कलाम जो है वो ऐब जोई के बारे में है। ऐब जोई का मतलब है किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, उसके खिलाफ मंसूबे बांधना। सो पाक कलाम हमें इस हरकत से मना करता है। पाक कलाम हमें कहता है कि किसी की ऐब जोई ना करो। सो हमें किसी की ऐब जोई नहीं करनी, और हमें एक सच्चे, एक अच्छे मसीही बनना है। आमीन।